हालेलुया। तो आज हम देखते हैं यर्मिया 33 के तीसरे पद में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझा है। हमारा जीवन बहुत से ऐसे समय आता है जहाँ मेरे पियो फंस जाता है, हमें कोई बातें समझ में नहीं आती है, हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, हमें कोई बताने वाला नहीं होता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। हम उस समय उस परिस्थितियों में हम समझने की क्षमता जो होती है वो खो चुके होते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन हमसे सीधे सीधे बातें करते और कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू कभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम जिसकी आराधना करते हैं वो ज्योतों का परमेश्वर है, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कैसे? यहाँ क्या कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें को समझाऊंगा। यानी कि वो हमारी बातों को सुनता है। हम जो कुछ भी विश्वास से मांगे, सच्चाई से मांगे, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से हम मांगे, परमेश्वर हमारे लिए उसमें अद्भुत कार्य चमत्कार करता है। क्योंकि हम दिल की गहराई से हम उसके सम्मुख आए हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, इसलिए हम जो भी सोचते हैं उससे पहले वो जान जाता है। इसलिए प्रार्थना करने से पहले अपने मन को पवित्र कीजिए, अपने मन को साफ कीजिए और उसके सम्मुख में आइए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। जो हमारे मुंह से बोलते हैं, जो हमारे होठों पे होता है, वही दिल में भी आपके होने चाहिए मेरे पियो। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। केवल अपनी इच्छा को परमेश्वर के सम्मुख ना रखें, हम परमेश्वर की बातों को भी सुनने वाले हो जाएं। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले भाई बहन 2 साल 3 साल 6 महीने साल भर से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आज तक आप अपने मन को बातों को रख कर आगे प्रार्थना कर रहे हैं। आज से प्रार्थना करने का तरीका को बदलिए और जो कुछ आप प्रार्थना में मांग रहे हैं उस प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखिए और कहिए, प्रभु अगर तेरी इच्छा है कि ये आशीष मेरे जीवन में आए तो तू ये आशीष मेरे जीवन में उड़ेल, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो ये मेरे जीवन में ना आए। इस प्रकार से हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में हम मांगने वाले हो जाए। हो सकता है आप पुराने गाड़ी के लिए साल भर से प्रार्थना कर रहे हो लेकिन परमेश्वर आपको नया गाड़ी देना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को मांगिए। हो सकता है आप 6,000 नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो उस कंपनी में लेकिन परमेश्वर आपके लिए 10,000 नौकरी सैलरी के लिए रखा है जॉब। तो हम जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हमारी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए। इसीलिए हर एक बातों में प्रभु को सम्मुख रखिए, प्रभु तेरी इच्छा है कि ये मैं कार्य करूं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। और जब हम प्रभु की इच्छा को मांगते हैं मेरे पियो तो हमारा जीवन हमारा घर आशीषों से भरपूर हो जाता है। हालेलुया। यहाँ कहता है भजन संहिता 65:2 में, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास से आएंगे। यानी कि वो प्रार्थना को सुनता है। यहाँ कहता है हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। सब प्राणी जिनके अंदर प्राण है, सब प्राणी तेरे पास ही आएंगे क्योंकि वो प्रार्थना का सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, ये आज से तेरी इच्छा पर चलने वाले हो जाए पिता। इनकी इच्छा नहीं बल्कि तेरी जो इच्छा है पिता परमेश्वर इनके जीवन में पूरी होने पाए खुदावन, ताकि इनका जीवन इनका घराना पिता परमेश्वर आशीषों से भरपूर हो जाए खुदा। ये जो चाहते हैं वह नहीं बल्कि तू जो चाहता है पिता वही इनके जीवन में होने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। ये तेरी इच्छा पे तेरे वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता, तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो जाए खुदावन, पवित्र आत्मा के द्वारा तो इनसे बातचीत कर पिता, यही प्रार्थना करते आप
प्रभु से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के लास्ट में उन बातों को रखिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, बोलेगा ये मेरी इच्छा को अपने जीवन में मांग रहा है, अपनी बातों को रख रहा है लेकिन मेरी इच्छा अपने जीवन में मांग रहा है। प्रभु स्वर्ग से देखेगा, प्रसन्न हो जाएगा और आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया, क्योंकि आपने परमेश्वर की इच्छा को मांगे हैं और जो परमेश्वर की इच्छा रहेगी वही आपके जीवन में आशीष का कारण ठहरेगी और सही समय आने पर वो आपके जीवन में उड़ लेगा आशीषों को। हालेलुया पिता, इन सबको तू आशीषों से भरपूर किया पिता परमेश्वर, जितनी प्रार्थना इन सबको तू सुना खुदावन, उसका उत्तर दे दिया है। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते सुन दे, आशीष ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, मैं पियो आज से प्रभु की इच्छा को मांगने वाले हो जाए। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगिए, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इस वचन के तरह प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे, वीडियो को उस जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।